हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर कि कैसे क्रेडिट कार्ड्स और मोड ऑफ पेमेंट से क्यों अलग है। साथ ही जैसे ही क्रेडिट कार्ड्स का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक अलग थिंकिंग आती है, क्यों लोगों ने क्रेडिट कार्ड को लेके एक अलग थिंकिंग क्रिएट कर रखी है और क्रेडिट कार्ड के बारे में आज सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि क्रेडिट कार्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पहले देखें पूरा एंड तक, एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो पहले के टाइम पर क्रेडिट कार्ड इतने ज्यादा यूज नहीं किए जाते थे, तब डेबिट कार्ड ही चलते थे। अब डेबिट कार्ड का अगर हम प्रोसेस देखें तो उसमें ये रहता है कि आपको बैंक में जाना है, पैसे निकालने हैं, उसके बाद ही आप उन पैसों को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें जिसमें कि आप डायरेक्टली कार्ड के थ्रू पैसे कट करवाते हो और वो पैसा कट होता है बैंक में से। अब यहां मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक चीज जो कि बहुत अलग होती है कि क्रेडिट कार्ड में डायरेक्टली बैंक पैसा देता है और डेबिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कट होते हैं। अब जो क्रेडिट कार्ड में पैसे कट हुए हैं बैंक के जरिए, वो आपको कुछ टाइम देती है, एक महीने का 45 डेज, उसके बाद बिल जनरेट होता है और आपको पैसे पे करने होते हैं। ये तो हो गया प्रोसेस क्रेडिट कार्ड का। अब यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैसे 45 डेज के बाद नहीं भरते और आप सोचते हो कि हम नेक्स्ट महीने बिल पे कर देंगे, तो यहां आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आप क्रेडिट कार्ड को मिनी लोन की तरह भी समझ सकते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि लोन में आप जाके बैंक से डायरेक्टली पैसा लेते हैं और यहां पर आपको कार्ड के जरिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है और उस क्रेडिट कार्ड पर आपका नाम लिखा होता है, एक यूनिक नंबर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है और इस कार्ड के जरिए आप इजीली पेमेंट कर देते हो। और क्रेडिट कार्ड्स में वीजा और मास्टर कार्ड जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोसेसिंग कंपनीज हैं और ये पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज हैं। लेकिन अब इनके बीच में एक और कंपटीशन आ गया है और मैं बात कर रही हूँ रुपे क्रेडिट कार्ड की, जो कि आपको पता है काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि क्रेडिट कार्ड्स में एक छोटी सी चिप भी होती है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं। साथ ही आपके क्रेडिट कार्ड में पीछे CVV नंबर भी होता है जो कि आपको काफी सेव करके रखना होता है। अगर वो CVV नंबर किसी को पता भी चल जाता है तो भी आपके फोन पर पहले OTP आएगा, उसके बाद ही कोई आपका कार्ड यूज कर सकता है। अब ये तो बात हो गई क्रेडिट कार्ड को लेके, लेकिन अब हम बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले और लोग क्यों मना करते हैं क्रेडिट कार्ड को लेने से। तो यहां सबसे पहला ही पॉइंट ये आता है कि लोगों का मना करने का रीजन होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो और ऐसे में आप लोन लोगे और आप उस डेट ट्रैप में फंसते हुए चले जाओगे। देखा जाए तो ये उन लोगों पर एप्लीकेबल होता भी है जो कि लोन लेते हैं फिर चुकाते नहीं है, फिर दूसरा लोन लेने लग जाते हैं उसे चुकाने के लिए और ऐसे ही करके वो डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। लेकिन यहां मैं बता दूं कि अगर आप टाइमली पे करोगे और आप हर महीने जो भी खर्च कर रहे हो और बिल जनरेट होने पर आप पूरा बिल पे करते हैं, तो ऐसे में आप डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। साथ ही जब हमारे पास बिना रेस्ट्रिक्शन के पैसे आने लग जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ऐसी चीजें भी हम लेने लग जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपको इस चीज पर भी कंट्रोल करना है, ये नहीं सोचना कि आपके पास तो पैसे आ गए हैं और आप जो चीज खरीदना चाहते हो वो खरीद लो, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि एक महीने बाद आपको वो पूरा पैसा भरना होता है। तो क्रेडिट कार्ड्स में आपको आपके फ्यूचर होप देख कर आपको पैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन जो की बैंक वाले इसी होप से देते हैं कि आप एजुकेशन लोन अभी यूज कर लो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो, लेकिन बाद में जब आप नौकरी लगा लोगे तब आप ये पैसे रिटर्न कर देना। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में आप पहले सामान ले लेते हैं, उसके बाद आपको पैसे देने होते हैं। अब जब पूरा महीना कंप्लीट होता है तब आपको बिल पे करना होता है और आप बिल पे नहीं करते तो ऐसे में इंटरेस्ट चालू हो जाता है। और यहां मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज इसी मौके का वेट करती है कि जब आप एक बार डिफॉल्ट करो और वो दुगना इंटरेस्ट लगा के आपसे पूरा पैसा वसूल ले। और यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरा बिल पे नहीं करते और आप सोचते हो कि मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पूरा पे कर देंगे, तो यहां पर आप ये चीज गलत कर रहे हो क्योंकि बैंक वाले इसमें भी इंटरेस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए उधार पर लिए, उसके बाद आपने 60 रुपए पे कर दिया, अब जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे दुगना इंटरेस्ट लगा के वो पैसा मांगती है।
सकती हैं। तो ये था दूसरा तरीका जिसकी वजह से लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं और ऐसे ही हमारा पूरा अमाउंट चुक जाएगा। साथ ही यहाँ मैं एक और चीज से अवेयर कर देती हूँ कि जब आप मिनिमम ड्यू पर डिपेंड हो जाओगे और ऐसे में आप और खरीदते जाओगे सामान और उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपका मिनिमम ड्यू पर 35-40% का इंटरेस्ट रेट लगता जा रहा है। अब एंड में क्या होगा कि या तो आप लोन पर डिफॉल्ट कर जाएंगे, या तो आप पे ही नहीं कर पाएंगे, या तो उस डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आने वाले 3-4 सालों में आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपको इजिली लोन नहीं मिलेगा, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। अब ये तो बातें हो गई कि जो लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, और ये रीजन थे डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड्स के। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ एडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब सबसे पहला ही पॉइंट और सबसे पहला ही एडवांटेज क्रेडिट कार्ड का ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो वो पैसे आपको 45 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री देते हैं, यानी कि वो जो टाइम रहता है उस टाइम पीरियड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इस पैसे को खर्च करने से अच्छा है कि हमें 45 डेज के लिए ये जो फ्री में पैसा मिल रहा है, हम इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें, ऐसी जगह लगा दें जिससे कि इन पैसों से हम कुछ पैसे कमा पाएं। और अब तो मार्केट में अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड भी आने लगे हैं, तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड चूज कीजिए और इस चीज का फायदा भी उठाइए। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ क्रेडिट कार्ड्स के। जैसे कि अगर आप एक शॉपोहोलिक हो, आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, आप हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हो, तो शॉपिंग कार्ड्स आते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक है, अमेजोन का भी क्रेडिट कार्ड है, तो इजिली आप इन शॉपिंग कार्ड्स को ले सकते हैं। यही अगर आप एक फूडी हैं और आपको खाना बहुत ज्यादा पसंद है, आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्रेडिट कार्ड आते हैं। स्विगी का भी एक क्रेडिट कार्ड है, वो भी आप ले सकते हैं, जिसपे कि आपको स्विगी पर ऑफर और कैशबैक मिल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और टाइमली उसका बिल पे करते हैं, तो ऐसे में आपकी जो क्रेडिट स्कोर होगा वो भी काफी इंप्रूव होता जाएगा और हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट भी हो जाए, यानी कि वो 750 से 800 तक पहुंच जाए। तो ऐसे में आपको आने वाले टाइम में लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वो भी इजी रहेगा। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड डेली बेसिस पर यूज करते हैं तो उनमें आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को इकट्ठे करते हैं तो बाद में आप उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, हो सकता है वो पॉइंट्स रिडीम भी हो जाए जिससे कि आपका काफी फायदा हो जाए, या फिर अगर आप कुछ खरीदते हैं तो ऐसे में वो पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं उस चीज में, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहां मैं आपको बता दूं कि आपने क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस भी देख लिए और एडवांटेजेस भी देख लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से यूज कर रहे हो। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कोई भी 0 ईयरली चार्जेस वाला क्रेडिट कार्ड लो। साथ ही अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है और आप और क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ऐसी गलती ना करें। ऐसे में आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च कर चुके हो और हो सकता है वो अमाउंट आपका काफी ज्यादा बन जाए मंथ एंड में, तो आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड को एक साथ ट्रैक भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2 क्रेडिट कार्ड हैं और आप तीसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो बस आपको वही क्रेडिट कार्ड चूज करने हैं जो कि आपकी प्रायोरिटी में आए, जो कि आपकी प्रायोरिटी से मैच करे, वही आपको क्रेडिट कार्ड लेने हैं, क्योंकि मार्केट में तो कई तरीके के डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।